वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक रिमोट रिपोजिटरी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं लोकल रिपोजिटरी के साथ, इसके बारे में बात करेंगे। पहले से ही गेटअप हमने खोल रखा है। पिछले वीडियोस में हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी गेटअप पे, तो ये रिपोजिटरी को, रिमोट रिपोजिटरी को हम अपने लोकल गेट रिपोजिटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे या उसे ऐड करेंगे। इस रिमोट रिपोजिटरी को लोकल रिपोजिटरी में ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए यहाँ पे पहले से ही कमांड दिया हुआ है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और जो रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी का लिंक है। यहाँ पे दो तरह के रिमोट रिपोजिटरी के लिंक होते हैं, एक HTTPS के थ्रू और एक SSH के थ्रू। तो ये फिलहाल इस वीडियो में हम HTTPS के थ्रू एक रिमोट रिपोजिटरी लोकल रिपोजिटरी में ऐड करेंगे। आगे के वीडियोस में हम SSH को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि SSH को यूज़ करने के लिए पहले हमें GitHub में एक SSH की क्रिएट करना पड़ता है। तो HTTP पे क्लिक कर दीजिए और इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। अब हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम पहले से ही माई लोकल रिपो फोल्डर में हैं। अब हम कमांड टाइप करेंगे, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पे जो कमांड दिया हुआ है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन लिखना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हो, बट आपको वो वर्ड याद होना चाहिए। तो हम ओरिजिन ही यूज़ करेंगे और उसके आगे हमें जो रिमोट रिपोजिटरी का लिंक है उसे ऐड कर देना है। तो हम यहाँ स्पेस डाल के उसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर। अगर कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपने सक्सेसफुली एक रिमोट रिपोजिटरी लोकल रिपोजिटरी में ऐड कर दी है। बस इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप रिमोट रिपोजिटरी को कैसे चेक कर सकते हैं कि पहले से ही कोई रिमोट रिपोजिटरी ऐड की गई है कि नहीं। थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि पहले से ही कोई रिमोट रिपोजिटरी ऐड की गई है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है गेट गेट रिमोट डैश वी। तो इससे पता चलता है कि कौन सा रिमोट रिपोजिटरी पहले से ही इस लोकल रिपोजिटरी में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे फेच पुश दो लिंक्स दिखेंगे जो रिमोट रिपोजिटरी के हैं, दोनों सेम हैं और दोनों का नाम है ओरिजिन, क्योंकि हमने ओरिजिन लिखा था। आप जो भी नाम लिखेंगे उस रिमोट रिपोजिटरी का, वो वही नाम वहाँ पे दिखेगा आपको। अभी अगर आपको ये रिपोजिटरी, जो रिमोट रिपोजिटरी का लिंक है, वो आपको रिमूव करना है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं और उसका कमांड है गेट रिमोट रिमूव और जो नाम है ओरिजिन, एंटर। अब वो डिलीट हो गया है, अब वो निकल गया है। तो वापस से चेक करते हैं, गेट रिमोट डैश वी, अब कुछ भी नहीं है। तो वापस है उस रिपोजिटरी को ऐड करते हैं, रिमोट रिपोजिटरी को। इस वक्त नाम हम कुछ दूसरा दे देते हैं, गेट रिमोट ऐड माय ओरिजिन, और वो रिपोजिटरी को पेस्ट कर देते हैं, एंटर। अब वापस से हम चेक करते हैं, गेट रिमोट डैश वी, इस वक्त नाम ओरिजिन से माय ओरिजिन हो गया है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो गेट रिमोट डैश वी से कि कोई रिपोजिटरी पहले से ही ऐड की गई है इस लोकल रिपोजिटरी में। और अगर समझो आपने गलत रिमोट रिपोजिटरी ऐड की है, तो आप गेट रिमोट रिमूव उस रिपोजिटरी का नाम डाल के, जैसे ओरिजिन, माय ओरिजिन या जो भी नाम आपने दिया वो डाल के आप उसको डिलीट कर सकते हो और वापस से री ऐड कर सकते हो। थैंक यू। We'll be right back.